हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ऑडिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी रेगुलेशन 20, जिसे हम शॉर्ट में SRC भी कहते हैं। ये इस पे आपको बहुत सारे MCQs मिलते हैं और क्वेश्चंस भी आता है। ये सभी LODR का और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक टॉपिक है। हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, पहला पॉइंट, द लिस्टेड एंटिटी शैल कंस्टिट्यूट अ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी टू स्पेसिफिकली लुक इन टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। सो हम देख सकते हैं, एज द नेम सजेस्ट, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। तो ये इस कमिटी का काम ही ये है कि वो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का इंटरेस्ट, मतलब बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट, उसको ध्यान रखना है कि किस चीज़ में, किस डिसीजन में, एक एंटिटी का किस डिसीजन में स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा रहेगा, उनका इंटरेस्ट ही प्रायोरिटी रहेगा। सेकेंड, द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी शैल बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज टाइप ऑफ MCQ जो कि आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स विथ एटलीस्ट 1 बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी मेंबर्स ऑफ द कमिटी। ये चैप्टर, ये टॉपिक जो है, जितना ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट इनमें यह है कि बहुत सारे MCQs पूछा जाता है, केस बेस्ड MCQs, इंडिपेंडेंट MCQs एग्जाम में पूछा जा रहा है। और तो आप देख सकते हो, अगर आप MCQ MTPs और RTPs चेक करोगे, दिन में से क्वेश्चन फॉर्म करके हैं, तो हमें सारा पॉइंट ही ध्यान देके पढ़ना है। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए ये SRC में, दैट इज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी में। उनमें से एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, मैंने आउट ऑफ द 3 1 शुड बी एटलीस्ट अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। और ये जो 3 डायरेक्टर होंगे वो मेंबर ही होंगे, कमिटी के मेंबर्स ही डायरेक्टर्स बनेंगे। नेक्स्ट है, द चेयरपर्सन ऑफ द SRC शैल बी प्रेजेंट एट द AGM टू आंसर द क्वेरीज ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर्स। जो चेयरपर्सन है इस कमिटी का, उसको AGM में प्रेजेंट रहना पड़ेगा कि जो भी क्वेरीज है, जो भी उनके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो स्टेक होल्डर्स के, उसको आंसर देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द SRC शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ये वाला ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली सारे जो कमिटी होते हैं वो एक साल में एक बार उनको एटलीस्ट मिलना ही होता है। जैसे कि MTP में RTP क्वेश्चन था ये अभी का ही, करंट नवंबर 2020 का, जिसमें पूछा गया था कि बाय एनुअली मीटिंग होगा SRC का बाय एनुअली मीटिंग होगा, या नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी का बाय एनुअली मीटिंग होने वाला है, तो क्या ये हो सकता है, तो उस पर आप अपना कमेंट दो। तो वही हमें लिखना होता है कि नहीं हो सकता, बाय एनुअली मतलब वंस इन 2 ईयर्स, तो वो पॉसिबल नहीं है, वंस इन अ ईयर हेल्ड होना ही चाहिए। जितने भी कमिटी है आप सबका देखोगे, द मीटिंग शुड बी हेल्ड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है 6 नंबर, रोल ऑफ द कमिटी। इसके क्या क्या रोल है SRC के? पहला, रिजॉल्विंग द ग्रीवेंसेस ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर्स। जैसे कि हम पढ़े थे कि सिक्योरिटी होल्डर्स जो है, स्टेक होल्डर्स ही प्रायोरिटी है, तो उनके सारे ग्रीवेंसेस रिजॉल्व करना। ऑफ द लिस्टेड एंटिटी रिलेटेड टू विच मैटर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नॉन रिसीप्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, नॉन रिसीप्ट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड्स, इशू ऑफ डुप्लीकेट या न्यू सर्टिफिकेट्स, जनरल मीटिंग एक्सेट्रा। कुछ भी ग्रीवेंसेस ये सब मैटर्स को लेके, अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेट खो गया है या शेयर ट्रांसफर है या कोई चीज़, उनको डिविडेंड नहीं टाइम पे डिक्लेयर हुआ है या एनुअल रिपोर्ट उनको चाहिए नहीं मिला है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो भी उनको प्रॉब्लम है सिक्योरिटी होल्डर्स को, उनका ग्रीवेंसेस रिजॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिव्यू ऑफ मेजर्स टेकन फॉर इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट्स बाय शेयर होल्डर्स। जो भी वोटिंग, जो मेजर्स सारे रिव्यू किया जाएगा कि जो भी वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग मेजर्स लिया गया है, वो सबको चेक किया जाएगा कि सही है या नहीं। नेक्स्ट है, रिव्यू ऑफ एडरेंस टू सर्विस स्टैंडर्ड्स अडॉप्टेड बाय द कंपनी। कंपनी के साथ जो सर्विस स्टैंडर्ड्स है उसको रिव्यू किया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट है, रिव्यू ऑफ वेरियस मेजर्स टेकन बाय लिस्टेड एंटिटी फॉर रिड्यूसिंग क्वांटम ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड्स एंड इंश्योरिंग टाइमली रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड वारंट्स। जो डिविडेंड डिक्लेरेशन जो होता है, उसका जो डिविडेंड वारंट्स का रिसीप्ट जो है वो टाइमली है या नहीं, सब कुछ सही टाइम पे डिक्लेयर किया जा रहा है या नहीं, जो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स है उसको सही जगह से, मतलब वो उसको
देख के ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि नहीं, जो हम लोग आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो सब हो रहा है कि नहीं, जो अनक्लेम्ड है उसको रिड्यूस करके उसको चेक किया जाएगा कि प्रॉपर डिविडेंड टाइमली डिक्लेयर हो रहा है या नहीं। बेसिकली स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी का काम यही है कि उन्हें देखना है कि जो सिक्योरिटी होल्डर्स हैं उन्हें कोई भी ग्रीवेंसेस ना रहें और उनका सारा टाइमली जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो और सारा क्वेरीज जो है उनका रिजॉल्व हो। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा कि मैं इसी तरह के वीडियोस और ला सकूँ, कि मुझे पता चले कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ शेयर दीज विथ योर फ्रेंड्स, एंड लास्टली प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।